जुल्फे आपकी हमेशा आगे आ जाती हैं। अच्छा हुआ हम बंद कर दिए थे। हे फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिपर की छोटी दुनिया। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी सुरक्षित होंगे। सो यहाँ हो चुका है सुबह और एंडी जा चुके हैं ऑफिस, और ऑफिस गए तो वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया है कि स्वधा शायद से अरुणाचल लॉक हो सकता है 2-3 दिन के लिए, और नेट भी यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा अरुणाचल में फॉर सम स्ट्राइक रीज़न, कुछ स्ट्राइक के वजह से यहाँ पे लॉक होने वाला अरुणाचल। तो देन हुआ है कि अगर कुछ सामान वामान चाहिए तो लिस्ट विस्ट व्हाट्सअप कर दूँ, तो जिससे कुछ ज़्यादा तो नहीं चाहिए था हम लोगों को, क्योंकि घर पे ऑलरेडी सामान आ चुका था मंथ का, फिर भी थोड़ा मोड़ा सामान तो वो हम लोगों ने पास से ले लिया है। और देखिए कि अगर लॉकड हो जाता है अरुणाचल में और 3 दिन का ऐसा स्ट्राइक का सिस्टम रहता है तो नेट भी ऑफ हो जाएगा, तो हे भगवान, मैं तो टेंशन में हो गई। एंडी तो एकदम कंटाल जाएंगे, क्योंकि लॉक अलग चीज़ है, बस बिना फ़ोन बिना नेट के वो कैसे रहेंगे भैया, मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है करके। तो चलिए व्लॉग में सब दिखाते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपना व्लॉग। तो एंडी जा चुके हैं ऑफिस और मैं अपने कपड़े लेके बैठ चुकी हूँ कपड़े फुल करने के लिए, और यहाँ पे अपना तारक मेहता भी देख रही हूँ टीवी में। और क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लॉक होने वाला है अरुणाचल, तो फटाफट हम लोग निकल गए, कुछ सामान जो भी चाहिए था उसको ले लिया, और जैसे ही घर पे पहुँचे थोड़ी देर बाद एंडी आ गए अपने ऑफिस से। तो उसमें आ गई हूँ किचन में मैगी बनाने के लिए, और मेरा ऐसा है कि मैं मैगी बनाती हूँ उसमें सारा वेजिटेबल डालती हूँ ताकि थोड़ा सा भी प्रोटीन आए इस इंसान के अंदर। ये वेजिटेबल और इतना कम खाते हैं ये सब चीज़ें ना, तो बहुत लगता है छोटे बच्चों की तरह करना पड़ता है इनके साथ, तो इसलिए मैं मैगी में सारा वेजिटेबल डालती हूँ, वैसे भी मैं डालती हूँ सारा। चलिए मैगी बनाते, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। उसके बाद फटाफट मैं मैगी बनाई और फट से मैगी बनने के बाद मैं सबको सर्व कर दी, फिर हम तीनों लोग मैगी खाए। और आपको पता है एंडी ने बोला कि आज का डिनर मैं बनाऊंगा, क्योंकि शाम ज़्यादा हो गई थी, मैगी मुझे लग रहा 8-8 बजे हम लोग खाए थे। उसके बाद एंडी ने बोला कि आज वेज खाना मैं बनाऊंगा डिनर में, तो बस एंडी लग गया अपना चॉपिंग चुपिंग करने, और जैसे ही सब्जी चॉप अप हुआ हम लोग आ गए किचन में। और एंडी एज यूजुअल कुछ ना कुछ मुझे कमेंट करते ही रहता है। मैंने सोचा लाइए आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा अलग टाइप का सब्जी उन्होंने बनाया था, सब्जी आलू आलू में पता नहीं क्या 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 डाला और थोड़ी देर छोड़ दिया, उसके बाद फिर उसको उन्होंने डीप फ्राई किया। मैं सोच यहाँ से अच्छे से नहीं दिख रहा, चलिए किचन में चलते मेरे साथ, चलिए चलिए। नॉन्स जरा अपना मुखड़ा तो दिखाओ, नॉन्स जरा मुखड़ा तो दिखाओ, नहीं दिखा ना शर्मा, जरा मुखड़ा तो दिखाओ नॉन्स। एंडी एक काम कर रहे हो फर्स्ट टाइम, उसमें इतना आपको हो रहा है, तुम कर रहे हो ना यहाँ पे काम, एक सब्जी तो बना रहे हो एंडी। किस टाइप का सब्जी है एंडी ये? दिल्ली में कभी नहीं खाई होगी, दिल्ली में कभी सच में नहीं खाए होंगे। रेसिपी कहाँ से पाए इसका ये तो बता दीजिए। इसका रेसिपी है। ओके मास्टर शेफ, ये खाने लायक होगा ना? नहीं नहीं खाने में मत खाना, मतलब ऐसा तो नहीं होगा एंडी कला चलेगा। अच्छा वैसा बोलोगे आप अपनी बीवी को, मुझसे बोर हो गए हो ना एंडी, 1 साल हो गया है तो। हाँ हो गया हो ना बोर, अच्छा हुआ हम बंद कर दिए थे। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं मास्टर साहब दीक्षित जी एकदम लगे हुए हैं अपने खुद की रेसिपी बनाने में, उसमें पता नहीं क्या 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 डाल रहे हैं मैगी की तरह, पता नहीं। और देख लो एंडी एक बार, जुल्फी हटाओ अपनी, मेरे व्यूअर्स को आप दिख नहीं रहे हो, ये हुई ना बात।
जा रहे हो आईपीएल देखने? तो एंडी चले गए आईपीएल देखने के लिए और वहाँ से फरमाइश आई है कि सोचा थोड़ा सा चाय और फ्रेंच फ्राइज छाना जाए। तो बस फ्रेंच फ्राइज और आलू आलू टिक्की ये सारी चीज़ें एंडी लाए थे, डीप फ्रीज़र में रख दिया था मैंने, और बस चलते हैं इसको फटाफट छान लेते हैं। अब क्यों आ गए एंडी आप? अब क्या आपका बनाना रह गया है? तो अब वो बनाने जा रहे हैं क्या आप, कलौजी? नहीं। तो फिर अमेरिकन टोस्ट जमका क्यों दिखा रहे हैं? अमेरिका टोस्ट क्या होता है? यहाँ तो मुझे दिख रहा है बैंगन और अब बनाने वाले कलौजी। देखिए जब कितना आइटम बनाते हैं। इंडिया आपको हेयर बैंड कहाँ है? चाकू उसमें है। जुल्फे आपकी हमेशा आगे आ जाती हैं। क्या क्या बनाएंगे हम वही देख रहे हैं आज। हटी हटी जरा, तो फ्रेंच फ्राइज मेरा चलना है। जल गया, जल। फटाफट करो जान, चाय टाइम वो हो जाएगा। आप क्यूट लगते हो, गुस्साते हो तब भी। आई डोंट केयर। जुल्फे तो ऊपर करो जानू, व्यूअर्स को चेहरा नहीं दिख रहा। मैं आऊंगी उठाने तो आप मेरे को डांटोगे। कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करती हूँ। नहीं चलोगे आते कैसे? ऐसा मत बोलो यार, नेगेटिव मत बोलो। तो बस गैस पे एंडी ने रख दिया कलौजी और हम लोग चाय और फ्रेंच फ्राइज खाएंगे। उसके बाद ये देखिए एंडी की सब्जी आलू वाली तैयार हो गई और खाना वाना थोड़ी देर बाद खाने के बाद हम लोग निकल चुके वॉक के लिए दोस्तों, क्योंकि वॉकिंग भी तो ज़रूरी है। तो आज दीक्षित जी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं खाना बनाते बनाते दोस्तों। हम लोग वॉक से आ चुके हैं और एंडी गए रूम के लिए वाटर बॉटल लाने के लिए, क्योंकि रात में प्यास लगती है ना। तो कुछ कुछ काम एंडी कर देते हैं। एक्चुअली कभी प्राउड फील होता है क्योंकि जो मोस्टली लड़के काम नहीं करते वो एंडी सारा काम कर लेते हैं और इंटरेस्ट के साथ खुद से करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तो गए हैं पानी लाने के लिए और आप लोग से मिलते हैं कल। तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, शिप्रा की जुड़ती नहीं हो। और आगे के ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि दीक्षित जी तो घर पर ही रहेंगे ना। बाय दोस्तों, बाय फैमिली। सब्सक्राइब करिए अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये मेरी धमकी है। और नहीं धमकी नहीं, प्यार से बोल रही हूँ। और चैनल को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। बाय।